हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र का आज नौवां दिन। सत्र से पहले बीजेपी करेगी बैठक। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को पेश किया 32,593 करोड़ रुपए का बजट। नहीं लगाया कोई नया टैक्स। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि, बागवानी, शिक्षा, सोलर एनर्जी, सड़कों और पेयजल योजनाओं पर ज्यादा राशि खर्च करेगी। साथ ही विधायक निधि में भी इजाफा किया गया। विपक्ष को नहीं रास आया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बजट। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल बोले, केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपने नाम पर योजनाएं चला रही है सरकार, लोगों को नहीं दी गई राहत। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा आज भरेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहेंगे मौजूद। धर्मशाला में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए आज पाकिस्तानी टीम नहीं होगी रवाना। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहाली या कोलकाता में चाहता है मैच। ऐसा ना होने पर पाकिस्तान धर्मशाला का T20 मैच गंवाने को तैयार। उधर मैच को लेकर गृह मंत्रालय के साथ हुई हाई लेवल बैठक का आदेश दिया गया कि भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच धर्मशाला में ही होगा। साथ ही खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए। भारत पाकिस्तान मैच के मामले पर फिर बोले सीएम, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों की भावनाओं का रखा जाएगा ख्याल। कहा बीसीसीआई को आयोजन से पहले इन लोगों से पहले करनी चाहिए थी बात। धर्मशाला में नहीं रुक रहा भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। शहीदों के परिवारों ने फिर प्रदर्शन कर मैच ना करवाने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी में फहराया 105 फीट ऊंचा तिरंगा। सीएम ने कहा, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज दूसरा दिन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। बॉलीवुड गायक शिवराजनी बिखेरेंगी अपना जादू।